सभे दे जय मसीह जय मसीह परमेश्वर को धन्यवाद दिन छु ये राम प्रभु मपो के लेबी और आदि पास बाव है और राम बाव है और इस घर को इस परिवार को सदस्य आमा बाबा और भाई बहन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह जय मसीह आमेन आमेन। एक वचन हम पहले अगाड़ी पढ़ चु मत्तुस का सुसमाचार 5 अध्याय मत्तुस 5 को उसका 19 और 20 पद पर मत्तुस 5 को 19 और 20 मर्कुस 5 को तर उहाँले त्यसलाई अनुमति दिनु भएन तर त्यसलाई भन्नुभयो तिमी आफ्नो घरमा गएर तिम्रा मित्रहरूलाई प्रभुले तिम्रो निम्ति गर्नुभएको महान काम र तिमीलाई देखाउनु भएको ठुलो दयाको वर्णन गरिदेऊ अनि त्यो मानिस हिँडिहाल्यो र यीशुले त्यसको निम्ति कति ठुलो काम गरिदिनु भएको थियो सो डेकापोली भरि प्रचार गर्न लाग्यो र सबै मानिसहरूले अचम्म माने धन्यवाद हम सभी लोग इस वचन अच्छी तरह से जानते हैं हमें सभी जन इस वचन को राम लोग इतना इसका पीछे का पूरा कहानी यही हो ये उड़ा मनुष्य थे वो लगी हो तो दुष्चार मान तो प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्य को के चंगाई चंगाई दिन पाची ये मानुष यीशु का संग चलने लगे प्रभु यीशु को हम देखे और एक जगह जाने को लिए निकलो तो ये भाई ने की बच्चे प्रभु बेपरी तपाई का संग आओ मैं अपनी ले जाऊ तब यीशु मसीह को रात करो भाई तुम्हें अपना घर में जाओ अपने गांव में जाओ ता प्रभु तपाई तुम्हारे ऊपर दया करके की काम तपाई के तुम्हारे जीवन में करनो भाई तपाई को की चंगाई दिनो भाई छुटकारा दिनो भाई ये कुरा तिमी की करनो परचा औरों को बताओ ये भाई की करनो भाई ये सभी को अपना गांव में गियो अपना घर में गियो और सभी का संग यही कुरा उन्होंने बतायो प्रभु ने दया करके मेरा जीवन में की करनो तो एवढा कुरा में तपाई को समझाना कोशिश गर्छु मसीह जीवन का क्रिश्चियन लाइफ या मसीह जीवन का बुनियाद यही हो हमें ये बुझनो पर्चा ये समझनो पर्चा हमरो जीवन में परमेश्वर ने की काम करनो क्या काम परमेश्वर हमारे जीवन में किया ये हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए। इधर हम देखा इस भाई को प्रभु ने बोला बेटा तुम अपने घर में जाओ अपने गांव में जाओ जाके परमेश्वर तुम पर दया करके जो जो काम तुम पर किया वो जाके बताओ। इन्होंने अपना गांव में गया सभी जन्मों की किया परमेश्वर उनके जीवन में किया हुआ उस आश्चर्य कामों को क्या वर्णन। अभी हम सभी मसीह लोग हम सब प्रभु के लोग आमेन तो लेकिन ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है परमेश्वर हमारे अंदर क्या काम किया हमारे जीवन में क्या काम किया। हम अभी खुशी में इधर बैठा है हम लोग सब खुशी में है आनंद में सु अपना काम करके थक कर आया हूं फिर भी हम सेवा में आया मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आप सभी के लिए आमेन। तो फिर भी प्रभु का वचन क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम किया आमेन। तो परमेश्वर अपना पुत्र पर यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन में क्या काम किया उसका बारे में थोड़ा बताने के लिए मैं चाहता हूं परमेश्वर ने हमारा जीवन में क्या काम किया। ठीक हम जल्दी आएंगे गलातियों का पत्री उसका 5 अध्याय पर आएंगे गलाती 5 का एक गलाती 5 का एक पढ़ना
पाँच कहीं स्वतन्त्रताको निम्ति क्रिस्टले हामीलाई स्वतन्त्रता पार्नु भएको छ, यसकारण डर भएर खडा हौ र फेरि दासत्वको स्वतन्त्रताको निम्ति क्रिस्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ, यसकारण डरा भएर खडा हौ र फेरि दासत्वको जुवा मुनि नपर। इधर क्या बताया है, मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद किया, स्वतंत्र किया, की बन भयो मसीह ने हमें की बन करने भयो। तो मसीह ने हमें क्या किया, स्वतंत्र किया, आजाद किया। उसका अर्थ क्या है स्वतंत्र किया, उसका अर्थ है हमें कोई चीज बांध कर रखा, हम जा नहीं सकता, हमें कोई चीज या बांध कर रखा रहा, हम चल नहीं सकता रहा, हम हिल नहीं सकता रहा, हम कुछ कर नहीं सकता रहा, हमें बांध कर रखा। अभी सोचिए, अभी रस्सी से लेकर, रस्सी लेकर हमारे हाथ को बांधो, हमारे पाप को बांधो और इसमें बांध कर रखो, हम हिल नहीं सकता। इच्छा तो है लेकिन हिल नहीं सकता। वही अर्थ इधर देखता है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया, इसका मतलब हम पहले किसी बंधन में था, कोई ना कोई चीज हमें बांध कर रखा, लेकिन उस बंधन से प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको आजाद किया। आमेन। अभी हम सुन रहे हैं, हालेलुया। अभी हम देखेंगे किन किन बातों से हमें आजाद किया, क्योंकि जब प्रभु के लिए प्रेम, प्रभु का प्रेम, प्रभु के लिए जो प्रेम कैसा बढ़ते हैं या प्रभु को हम कैसा आराधना करते हैं, हम पहले कैसे थे और प्रभु ने हमें कैसे बताया, इस बातों को जब हम अच्छी तरह से समझेगा तब हम परमेश्वर को सही आराधना कर सकते हैं। आमेन। अभी एक व्यक्ति को सोचिए, एक कमरा में, अंधेरा कमरा में रखा है 25 साल हो गए, ऐसा में कहानी भी सुना है, संभव सुना है, 25 साल 30 इंग्लैंड में किधर हुआ है, 30 साल एक व्यक्ति को बाहर अंदर रखा, अंधेरे में रखा, किसी को पता चला बाद में, फिर इसको कॉल कर खोल दिया। तो जब अंधेरे में पड़ा हुआ लोग अपना जीवन अंधेरे में बता, अंधेरा कमरा में बैठा, लेकिन उनको कोई आके खोलेगा तो आके ऐसा रोके रोके बाहर नहीं आएगा, जम करके खुशी से आएगा, खुशी से आएगा। अभी आपको $1 million $1 million लॉटरी मारा, आप कैसा बोलेगा, मुझे लॉटरी मिला है, ऐसा बोलेगा, खुशी से बोलेगा। अभी हमको बीमार था, हम चंगाई हो गया, ऐसा बोलता है, खुशी से बोलेगा। तो मैं बोलने का मतलब है, जब परमेश्वर हमारा जीवन में किया वो उस बड़ा कामों को जब हम समझेगा तब सही आराधना, सही सेवा हमारे जीवन से शुरू होगा। आमेन। आमेन। अगर ये मालूम नहीं है तो हम बोलेंगे पास्टर बाबू बोलेगा सेवा में आओ ना, पास्टर बाबू आइले सब्जी आइले लेके आया, की करने पर्चा अभी दुकान में जाने पर्चा, सब्जी पे नीचे ही ना, मासू पे नीचे ही ना, पर ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ये सच्चाई जब हमें मालूम पड़ेगा, कोई बात हमें बात हमें बांध रखना चाहते, हमें जाना है मेरा प्रभु को आराधना चाहता है, क्योंकि मैं बंधन में था, मैं अंधकार में थे, उस बंधन से यीशु ने मुझे छुड़ाया। आमेन। ठीक है, हम जल्दी आएंगे किन किन बातों से प्रभु ने हमें छुड़ाया। नंबर वन, मुख्य बात, खास करके चार मुख्य बातों से हर इंसान को बांध कर रखा है, चार रस्सी हर इंसान को क्या किया, बांध कर। तो नंबर वन, पाप। पाप क्या किया, हर इंसान को बांध कर रखा है, ठीक है ना। पाप, जब पाप हर इंसान को बांध कर रखा है, आपको मालूम है वो सिगरेट है, इधर मुझे मान इंडिया में है, सिगरेट का पैकेट के ऊपर लिख कर रखा है, सिगरेट बिना शरीर के लिए हानि का कारण है। शराब का बोतल के ऊपर लिखा है, शराब पीना हानिकारक है। लेकिन
ये जानते हुए डॉक्टरों भी पीता की पन्नो तपाई के की बीमार सुबह शाम तक काम करेगा, मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा और वो जो मिलेगा उसमें से लेकर शाम को आके पिएगा। घर में आके क्या करेगा? इधर नहीं है, वो इंडिया का बाहर इधर अच्छा है। बीबी को गाली देता है, मारता है, खाना देगा तो ए की सब्जी बनाया ले जा रोस है कोई फायदा नहीं है। अपना परिश्रम करते हैं उस पैसा से बेकार पी के क्या करता है? अशांति क्यों? शराब पी के कोई अच्छा हो गया है? कोई प्रिय राम दो भाई शराब पी के बीड़ी पी के हम परिश्रम करते हैं और उसमें से जो मिलते उसका द्वारा हम अपने आप को नाश कर रहे। क्यों क्यों? क्योंकि पाप हमें बांध कर रखा है। कौन हमें बांध कर रखा है? अभी 2 साल का बच्चा है, उसको झूठ सिखाने का जरूरत नहीं है, ट्यूशन देने का जरूरत है झूठ बोलने का। हम झूठ बोले क्योंकि हम पाप हमें क्या किया? बांध कर। तो नंबर वन, हर इंसान पाप का गुलामी है, पाप उनको बांध कर रखा है। अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे क्योंकि हमें बांध कर रखा है। हर इंसान का अंतर इच्छा है कुछ ना कुछ करने के लिए लेकिन वो नहीं पा रहे, वो नहीं पाए। शराब छोड़ने के लिए इच्छा तो है लेकिन नहीं छोड़ पाए। बीड़ी छोड़ने का इच्छा है लेकिन नहीं हो पाए। अच्छा बनने का इच्छा है नहीं हो पाए। इच्छा तो है लेकिन नहीं हो पा रहे क्योंकि पाप हमें बांध कर रखा है। आमीन। क्या बांध कर रखा है? पाप। और दूसरा है बीमारी। अब हर इंसान को देखो, हर इंसान में कुछ ना कुछ बीमारी बीमारी। अभी हॉस्पिटल भी आजकल एक बिजनेस बन गया। अभी आपको सिर दर्द तो बोलता हॉस्पिटल में जाने से पूरा शरीर का इलाज करेगा, पूरा आपको स्कैनिंग करना, सिर का हानि। अब सिर दर्द है लेकिन बोला आपका पाव का ये करो, एक्सरे करो, इधर स्कैनिंग करो, मुट्ठू का स्कैनिंग करो। तो एक बीमारी के बाद दूसरा बीमारी। तो बीमारी भी इंसान को क्या किया? बांध कर। ऐसा कोई व्यक्ति रहे जिसको कोई बीमार? और तीसरा है शैतान। शैतान भी क्या किया? इंसान को बांध कर रखा। शैतान इंसान को पाप के कारण बांध कर रखे, अपना गुलामी बनाकर खिलाता। शैतान अब तो मान होगा, मुझे मान नहीं, इंडिया में होगा जो बंदर है ना, बंदर लोग क्या करते, बंदर को ले जाते हैं, खेलता वो ये मत है, इसको ड्रम बजाएगा तो बंदर क्या करेगा? शैतान वही करवाता, थोड़ा खाओ थोड़ा पियो फिर आके नाटक करता है। मतलब शैतान इंसान को अपना गुलामी बना कर। 14 है मृत्यु, मौत। एक दिन मृत्यु आएगा, बांधेगा ले कहा से आया मान ले, कहा एक दिन मृत्यु आएगा, मृत्यु भी क्या है? मतलब मैं बोलने का मतलब है हमारा इस संसार का आयु 80 साल 90 साल या 100 साल तक होगा, लेकिन ये 100 साल तक पाप शैतान बीमारी और मृत्यु हमें बांध कर रखकर हमें खत्म कर दिया है। हमें खत्म आसान नहीं है। अभी आपको मान, बहुत लोग आत्महत्या करते, सुसाइड करते, क्यों करते? जीवन से थक चुका है, कोशिश तो करते हैं, परिश्रम तो करते हैं लेकिन कोई उपाय नहीं। तो फिर सोचे ठीक है क्यों जीना है, मरना अच्छा तो मरते, क्योंकि पाप शैतान बीमारी और मृत्यु सारा मानव जाति को बांध कर रखा है, गुलामी बनाकर। अभी आप किसी से पूछो भाई कस्तो छ दीदी, ठीक है भाई सब, भाई कस्तो छ ठीक है, वो ठीक सुनते ही पता चलते अच्छा नहीं है। कोई तृप्त नहीं है, हम जो चाहते वो नहीं हो पा रहे, हम जो नहीं चाहते वही हमसे हो रहे। फिर तो बहुत लोग बोलते जन्म तो लिया अभी जीना है, पढ़कर सो जी रहे। कुछ लोग बोलते बच्चा है इसलिए हम जी रहे।
इतना हो रहा, अभी 50-60 हो गया, अभी थोड़ा 20 साल बाकी है, कैसा भी देना 10। कोई आशा नहीं है। शैतान, बीमारी, पाप, मृत्यु, ये सारी बातें मिलाकर हम इंसान को भाग कर रखा, आशाहीन बना दिया, बेकार बना दिया, बेकार। लेकिन मैं धन्यवाद हूं परमेश्वर को, धन्यवाद रहता हूं परमेश्वर जिसने हमें बनाया, आपको बनाया, मुझको बनाया, उस परमेश्वर हमें ऐसा छोड़ना नहीं चाहा। उसने मार्ग बनाया, रास्ता खोला, उन्होंने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। आमीन। क्यों क्यों यीशु मसीह को इस संसार में भेजा? और तीसरा हम देखते हैं, यीशु मसीह आके हमारे लिए क्रूस पर क्या हुआ? बलिदान। तो क्यों यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान? यीशु मसीह इसलिए क्रूस पर बलिदान, यीशु मसीह इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि हम देखते हैं इंसान चार बातों का गुलाम है, खास करके पाप, मृत्यु, बीमारी और शैतान। लेकिन उसका कारण क्या है, उसका जड़ क्या है? जड़ है पाप। आदम को बनाया, आदम को सब कुछ अधिकार परमेश्वर ने दिया, फूलो भलो पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन आदम ने क्या किया? आदम को बोला सब वृक्ष का फल खा सकते, लेकिन बीच में जो वृक्ष उसका फल तो खाए तो क्या करेगा? लेकिन आदम ने या हवा ने परमेश्वर उस आज्ञाओं को उल्लंघन किया, परमेश्वर जो मना किया उस फल को वो क्या किया? तोड़कर, मतलब आज्ञा को उल्लंघन किया। ओहे पाप, पाप क्या? आज्ञा को उल्लंघन करना पाप। तो परमेश्वर बोला नहीं खाना, लेकिन वो लोग उस बातों को, परमेश्वर उस बातों को उल्लंघन करके खाया, तब पाप अंदर आया। जब पाप अंदर आया तब इंसान परमेश्वर से अलग हो गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इंसान पर पापी। तो पवित्र परमेश्वर का पास पापी इंसान नहीं जा सकता है। तो पाप आया, वो पाप इंसान को और परमेश्वर को क्या अलग कर दिया, और परमेश्वर का साथ इंसान का संबंध टूट गया। तो परमेश्वर का साथ संबंध टूट गया तो ऑटोमेटिकली शैतान ने क्या किया? अपना गुलाम बना। उनकी जिधर पाप है उधर किसको हक है? किसको हक है? शैतान को हक है। तो इंसान पापी हो गया, तो इसी कारण किसका अधीन में आ गया? शैतान का। तो शैतान का पाप के कारण शैतान का गुलाम भी बना, पाप के कारण बीमारी हो गया, पाप के कारण मृत्यु हो गया, और पाप के कारण पाप का गुलामी बांधा हुआ। आशा नहीं, कुछ नहीं, जन्म लिया अभी जीना है, सोचते जी अभी जन्म लिया अभी जीना पड़ेगा, बच्चा है बच्चा के लिए जी रहे, अभी इतना 50-60 साल हो गया, अभी थोड़ा साल बाकी, ये सोचते जी रहे, कोई आशा। लेकिन परमेश्वर इस हालत को देखकर हमें इस बंधन से छुड़ाने के लिए उसने अपने पुत्र को दिया, यीशु मसीह आया और उन्होंने क्रूस पर चढ़ा। क्यों यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा? क्योंकि परमेश्वर का नियम के अनुसार जो